ओलोड कैसे हो, वेलकम बैक टू अगेन विद अ ब्रांड न्यू वीडियो फ्रॉम बुरा भाई। सो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे ये फ्लैश वार्निंग वाली एडिट कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड मोबाइल में। उसके लिए क्या क्या चाहिए, एक न्यू एप्लीकेशन एंड काइंड मास्टर एंड पिक्सा। सो तीनों एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेना, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। सो अभी से जाके कर लो डाउनलोड। सो स्टार्ट करते हैं आज की ये वाली वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले जो भी आपकी वीडियो क्लिप है वो ऐड कर लेनी है। एंड देख सकते हो गाइस, म्यूजिक भी मैंने ऑलरेडी ऐड करा हुआ है। सो गाइस, बता दूँ इस पॉइंट पर जाने के बाद एक बुकमार्क लगा लेना आप अपनी वीडियो क्लिप में। मैं जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ से वो फ्लैश वार्निंग वाली वीडियो स्टार्ट होगी। ठीक है गाइस, यहाँ पे बुकमार्क लगा लेना एक। नाउ क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद कैप्चर एंड सेव कर लेना इस इमेज को, वैसे तो ये वीडियो है। नाउ इसके राइट का पोर्शन हमें डिलीट कर देना है फिलहाल। नाउ इतना हो जाने के बाद जो अभी हमने कैप्चर इमेज करी है उसे पिक्सआर्ट में ओपन करना है। नाउ गाइस, उस इमेज को यहाँ पे हम ऐड करेंगे, मतलब एडिट करनी है वो इमेज हमें यहाँ पर अभी फ़िलहाल। जो भी मैंने कैप्चर इमेज करी है वो ऐड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, ये रही कैप्चर इमेज रिसेंट में, देख सकते हो गाइस। नाउ सिंपली गाइस क्या करना है, ऐड फोटो पे जाना है आप लोगों ने। एंड जो भी आप कैरेक्टर्स ऐड करना चाहते हैं उसकी PNGs होनी चाहिए। सो मैं 2-3 PNGs ऐड करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। सपोज दैट मैं 2 PNGs एक साथ ऐड करता हूँ, दोनों को मैंने सेलेक्ट करके ऐड पे क्लिक करना है। एंड देख सकते हो गाइस, अपने हिसाब से आप इन्हें एडजस्ट कर लेना जहाँ पर आपने लगानी हो इमेजेस को। जैसे कि देख सकते हो, मैं लेफ्ट वाली इमेज को यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके नीचे लगा रहा हूँ। एंड इस वाली इमेज को भी मैं थोड़ा सा एडिट कर दूँगा, एडजस्ट कर दूँगा। एकदम बढ़िया लग रही है। ओके, नाउ इमेज को आपने किस तरह से एडिट कर देना है ऐसे कैरेक्टर ऐड कर करके, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। तो देख सकते हो गाइस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इमेज ऐड करी थी, एडिट करी थी वो वाली। देख सकते हो गाइस, इस तरह से मैंने कैरेक्टर्स यहाँ पर ऐड करे थे। इस तरह से आप लोगों ने एडिट कर लेना है। एंड इस वाली इमेज को कैसे एडिट करना है, सपोज दैट देख सकते हो गाइस, जैसे कि मैं ऐड इमेज पर गया अगेन से एंड रीसेंट। अरे 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 अरे, वेट अ सेकंड गाइस, वेट अ सेकंड। हाँ ओके, नाउ PSCC, इसमें मेरे PNGs पड़े हैं 2-3, मैं वही ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। कहाँ गया वो वाला PNG? हाँ ये रहा ये वाला PNG। एंड मैं इसे ऐड कर लेता हूँ एंड इसे स्क्रीन पर यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, जैसे कि ये लगा हुआ है। दिखा दूंगा मैं आप लोगों को अभी जूम करके। इतना हो जाने के बाद गाइस, आप लोगों ने ऊपर इरेज का बटन दिख रहा होगा ऊपर की साइड, अरे स्प्लिट हो गई स्क्रीन ना, ऊपर इरेज का बटन दिख रहा है उस पर टाइप करना है, जूम इन कर लेना है। एंड जो नीचे का पोर्शन है इरेज पे क्लिक करने के बाद, या नीचे इरेज आ रहा है उस पर क्लिक करने के बाद इरेज कर देना है। एंड इस तरह से इस कैरेक्टर को आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी स्क्रीन पर। ना इमेज को यहाँ पर तीर पर क्लिक करके सेव टू गैलरी कर लेना, ऑलरेडी करा हुआ है मैं नहीं करने वाला। एंड एक न्यू एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी आपको, उसे ओपन करना है एंड लेफ्ट की तरफ स्लाइड करते रहना है आप लोगों ने, लेफ्ट की तरफ स्लाइड करते रहना है। एंड ये डॉग फिल्टर आ गया, आगे जाना है। ये वाला फिल्टर देख रहे हो गाइस, कैसे पता चलेगा ये वाला फिल्टर आ गया, ठीक है गाइस, चश्मा आया था वहाँ पे, उससे पहले वाला फिल्टर यूज़ करना है। सेटिंग्स पे जाना है, इमेज वीडियो फ्रॉम लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। एंड गाइस रीसेंट में देख सकते हो गाइस, 3 लाइंस पे क्लिक करना है, इमेजेस पे जाना है। एंड जो अभी हमने पिक्सआर्ट से इमेज सेव करी है वो इमेज यहाँ पे हमें ऐड करनी है। सो देख सकते हो गाइस, ये है इमेज, ओके ऐड हो गई। नाउ अगेन से एक और बार क्लिक कर दो इस फिल्टर पे। नाउ रेड वाला फिल्टर हमें यूज़ करना है, ये रहा ओके। नाउ नीचे वीडियो का टैब है, उस पर टैप करके वीडियो रिकॉर्ड करनी है, स्टार्ट कर देनी है। कम से कम गाइस 16 सेकेंड की वीडियो आप लोगों ने रिकॉर्ड करनी है, 12 से लेके 16, मेरे ख्याल से 16 ही करनी है। 16 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड तो करनी ही करनी है, 16 सेकंड की ही वीडियो रिकॉर्ड करना, या उससे ज़्यादा करना, उससे कम मत करना, ठीक है। अगेन से हमने काइंड मास्टर ओपन कर लेना है, उसी प्रोजेक्ट पर जाना है जहाँ से हमने ट्रिम टू राइट कर दिया था। नाउ उस वीडियो को ऐड कर लेना जो मेगा फोटो से ऐड करी थी। देख सकते हो गाइस, वीडियो टू शॉर्ट, वो 10 सेकंड की वीडियो हमने रिकॉर्ड करी थी, ये 16 सेकंड की है। नाउ क्या करना है, इसे स्पीड कर देना है 4x, एक सेकेंड स्पीड कर देना है इसकी 4x, और साउंड कर देना है बंद। स्पीड 4x करके एक इसकी डुप्लीकेट लेयर कर लेनी है। एंड जहाँ पर हमारा म्यूज़िक ख़त्म हो रहा है उसके आगे जाके ट्रिम टू राइट कर देना है वीडियो को। एंड यहाँ पे मैं फ्लैश वार्निंग का टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, फ्लैश वार्निंग, ओके। नाउ इसे कलर कर देता हूँ ब्लैक, ओके ऊपर की तरफ रख देता हूँ। एंड
ग्लो आउटलाइन ग्लो कर देता हूँ थोड़ा सा ब्लैक कलर के साथ में। ओके ब्लैक ही कर देता हूँ, ब्लैक है तो ओके बढ़िया लगेगा, थोड़ा डार्क डार्क एंड बिग। एंड इस तरह की वीडियो आपकी एडिट हो चुकी है फाइनली, यहाँ पर प्ले नहीं होगी क्योंकि हमने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। इजीली एक्सपोर्ट कर लो, आपकी वीडियो एकमोस्ट रेडी हो चुकी है। सो गाइज अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना इस वीडियो को, एंड गाइज चैनल सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि आप देख सको मेरी वीडियो सबसे पहले। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।